एक बात कहूं? जी सर। कपिल बड़े हैंडसम लगते हो। क्या बात है सर। अरे ये शुक्र है एसीपी साहब ने मुझे हैंडसम बोल दिया, नहीं तो ये उंगली का इशारा करके बोल देना ये खूनी है, लोग मान भी लेंगे। तो सच्ची पुलिस मानते ना इनको। वैसे तो सीआईडी की टीम ने ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड उन्होंने हमारे शो पर बनाया। आपने अक्सर इनको अपने शो में देखा होगा, सिर्फ खड़े देखा, कोई बैठे नहीं देखा, आप पहली बार बैठे हुए हैं। सर आप कभी अपने शो में बैठते क्यों नहीं? आपको डर है कि आपकी क्रीज ना खराब हो जाए? व्हाई? वैसे कपिल तुमने देखा होगा हमारे ब्यूरो में जी सिर्फ टेबल्स है, कुर्सियां नहीं। ये लोग 18-19 साल से एक शो कर रहे हैं, हमेशा शक करते हैं, कातिल ढूंढते हैं। मुझे लगता है ऐसे पता नहीं क्यों सर, आप जब घर पे भी जाते होंगे ना तो अपने सर्वेंट को बोलते होंगे रामू काका दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। और रामू काका बोलता होगा नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दाल में काला नहीं, आज दाल ही काली बनाई है। सर ऐसा होता है कभी? आप मतलब ऐसी नेचर में तो नहीं आपके आ गया कभी? एक्चुअली थोड़ा मैनरिज्म तो वैसे ही है जी, क्योंकि 18 साल से आप कुछ कर रहे हैं तो आपका जैसा एक स्टाइल एक पैटर्न हो गया है। तो वैसे ही हम सीआईडी में जितने हमारे कॉप्स हैं, हर किसी का खड़ा रहने का या बात करने का या किसी को देखने का एक एक अलग स्टाइल है। तो अब मेरे अंदर से घर पे जाने के बाद भी वो अगर हम नॉर्मली भी देख रहे हैं सर्वेंट को, ऐसा लगता है कि शक की नज़र से देख रहे हैं। अब हाँ अब आंखें ऐसी हो गई हैं, क्या करें। तो आपके घर वाले आपसे क्या पूछते हैं जब आप सुबह जाते हैं? ये पूछते हैं कि शूटिंग पे जा रहे हो कि ड्यूटी पे जा रहे हो? मैंने देखा अभी ना जब सर आ रहे थे ना तो बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था, उसका वैसे सलूट निकल गया। ये भी कहते हैं हाँ। सर एक अफवाह सुनी है मैंने, पता नहीं इसमें कितना सच है, पर आप हमें बताएंगे ये सच है कि लोग कहते हैं कि टीवी का आविष्कार बाद में हुआ, आपका शो पहले आया। भारत में टोटल 3 करोड़ केस पेंडिंग है और मुझे ऐसा लगता है 25-30 लाख तो आप इन्हें सॉल्व करके दिए होंगे। तो सर पिछले 20 साल से आप केस सॉल्व कर रहे हैं, कोई आइडिया है आपने कितने केस सॉल्व कर लिए होंगे? हम काम में इतने व्यस्त हैं कि गिनने का टाइम नहीं मिलता। गिल्लो जी जितने एपिसोड हुए हैं उतने, हर एपिसोड में एक केस सॉल्व होता है मिनिमम। कमाल की सीआईडी अभी एक घंटे में सॉल्व। 10 बजे आए, 11 बजे मुजरिम को अंदर किया, निकल भी लिए। सीआईडी में बड़ा सीरियस रहते हैं, कभी स्माइल नहीं देखी सर आपके चेहरे पे। अरे ये तो खाली टीवी पर देखते हो, वैसे अब देख रहे हो ना हम लोग कैसे हंसते हैं। हाँ, अभी तो बिल्कुल स्माइल कर रहे हैं। तो बड़ी हंसी मजाक तो होती ही रहती है, और फिर जब लाश पड़ी हो तो आप कैसे हंस सकते हैं? हमारे सिद्धू बाजी हैं, हंस सकते हैं। चलो तो लाश के ऊपर शेर भी बोल दिया। नहीं नहीं पाजी ने तो, पाजी ने कहा वाह कमाल बहुत अच्छा लग रहा है मर के। अच्छा एक दया है, इनको किसी पे रहम नहीं आता, चाहे कोई दरवाजा हो चाहे आदमी हो, ये तोड़ते रहते हैं। आपको रहम किसी पे आता नहीं, आपका नाम दया रखा किसने? अच्छे लोगों पे दया करने के लिए बुरे लोगों पे दया नहीं करता मैं। वेरी नाइस। अच्छा आप इतनी मेहनत करके केस सॉल्व करते हैं, मुजरिम को पकड़ते हैं, 5-7 थप्पड़ मार के उसको जुर्म कबूल भी करवा लेते हैं, फिर 5-6 एपिसोड बाद आपको वही आदमी दूसरा क्राइम करता है दिखता, आपको गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता है, बहुत खींच के मारते हैं। एक एपिसोड में बहुत पहले शिवाजी साहब की वो अपना एसीपी साहब की पत्नी थी, शुरू में ऐसा था एक ट्रैक था, और 30-40 एपिसोड के बाद किसी और की पत्नी बनी। बोले तुम फ्रेड, हमारी फ्रेडी की तो 3-4 शादियां हो चुकी है। कप्पू नानी गेस्ट इधर है। पता है वैसे भी बड़ी गाड़ी को यूटर्न लेने के लिए टाइम लगता है। और तो और पिछले 18 सालों से ये लोग इधर उधर नहीं हुए, तो मैं सोची मैं ही इधर उधर हो जाती हूँ। नानी मैं बैठा हुआ नीचे। अच्छा बोलता क्यों नहीं है? एक बात तो है पाजी, 18 सालों से जरा भी इधर उधर नहीं हुए। अलग ही आप देख लो, 10 बजे शो आता है, 11 बजे केस सॉल्व कर दिया। सर आप इतनी जल्दी केस क्यों सॉल्व करते हो? आपको अपना भी रिपीट टेलीकास्ट देखना होता है? ऐसे क्या पता रिपीट टेलीकास्ट देखते हो कि कहीं रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं मुजरिम भाग गया? वैसे सच कहूं आप लोगों को सम्मानित करना चाहती हूं मैं, क्योंकि पिछले 18 सालों से केस सॉल्व कर करके, लोगों की समाज सेवा कर करके आप लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां,
बंगले, बैंक बैलेंस बना लिए, तो सम्मान तो बनता है ना। तो आइए मैं सम्मानित करती हूँ, आइए ना। ये लो। नानी, दया को पेटीकोट क्यों दे रही है? अच्छा, ये पेटीकोट है? तू मेरी किधर है? पेटीकोट। ठीक है ठीक है, अच्छा वह बता दिया। और पेटीकोट भी कौन से रंग का? थैंक यू मानी, थैंक यू। खुशबू है ना उसमें? हाँ ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा, छोड़। अरे कमाल है, अजीब आदमी है, खड़ा जमीन पे, मुंह उसका छट्टे माले पे है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अपना अपना देखो। अरे हो गया, इधर आइए। एक और का है। अरे चौथी किसके लिए? एक बज गया, इसका क्या करूं? सुनिए एसीपी साहब, हमारा शो अभी अभी शुरू हुआ है, आप ये मुझे पहना कर बधाई दे दीजिए ना। पहना दो। अरे कैसे पहनाए आपको? हाथ कड़ी पहना दे, ये भी पहना दो। पहना दो ना। क्या पहना दो? ये पहना दो। इनका सत्कार होगा शायद। तालियां बजाना। क्या कर रहे हैं आप? दास फोटो खींच। मुबारक हो, हमारी शादी हो गई। चलो चलो चलो, दोनों मिलकर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है करते हैं। अरे नानी जी, आप तो कपिल की नानी है। वो तो इसके लिए तो मैंने शादी की है, इसकी बड़ी जिद थी कि इसका नाना एसीपी हो। और वैसे भी आप घबराइए मत, मेरा वाला जो है ना वो पता नहीं किधर है, तो या तो आप उसे ढूंढ लाइए या मुझे अपने साथ ले चलिए। एक घंटे में आ रही है। नानी क्या कर रही है, कर रही है? एक घंटे में क्या, इतनी भी बुरी नहीं है। सियाड़ी सियाड़ी सियाड़ी, डोंट फियर सियाड़ी सियर, आई एम माइसेल्फ बोर्न लेटरिन। हेलो हेलो सर, वैसे आपका और मेरा पॉपुलैरिटी एकदम सेम है। क्या पॉपुलैरिटी सेम है? वो सीआईडी वाले हमारा दो नंबर का काम है। दो नंबर का काम करता है मतलब? बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे होने वाली थी। दो नंबर का काम बोले, वैसा दो नंबर का काम नहीं है। देखे मेरा ये मोहन लेटरिन सेंटर, आपको भी जरूरत पड़ेगा सर। ओके बाद में था। देखे सर लोग, आप लोग इतने इतना केस सॉल्व किया है, बहुत सारा केस सॉल्व किया, लेकिन कभी आपका पेट का केस खराब हो जाए आप लोग इधर आ सकते हैं सर। मैं आपका पूरे टीम को ग्रुप डिस्काउंट दे दूंगा। वो क्या है कि हर जगह आप लोग साथ में चलते हैं। अरे लेकिन इनको मैं तो लेके आना, ये हर दरवाजे को तोड़ देता है। और अपना धंधा ही पर्दे का है। लगता है आपने अपना दिमाग भी फ्लश कर दिया आपने। क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हो, निकलो यहाँ से। फालतू का सवाल पूछने आया, मैं उनको गिफ्ट देने आया हूँ। गिफ्ट मैं दे चुकी हूँ। गिफ्ट तुमने क्या दिया? शॉल दिया। ऐसी गर्मी में एक आदमी शॉल ओढ़ेगा तो सन्नी लियोनी से ज्यादा हॉट हो जाएगा, आदमी नहीं हीटर बन जाएगा। मैं इनके लिए स्पेशल लुंगी लेके आया हूँ। लुंगी पहने से बहुत आसान हो जाता है। तो लुंगी उतारने बड़ा इजी होता है, इसमें क्या है, इसमें सबको पता है। वैसे उतारने से याद आया, मैं गैस पर दूध रखाई। अब तो भूल गया होगा। नहीं मैंने चूल्हा जलाया नहीं, चला कर आती हूँ। ये लेके जाओ थाली। ऐसी भी सर, आपके लिए स्पेशल लुंगी, ये पहनेगा तो आपको बहुत ठंडक का एहसास हो जाएगा। क्यों, ये लुंगी में बर्फ पड़ती है? ये लुंगी है, कश्मीर नहीं है, अंडरस्टैंड? बर्फ नहीं पड़ता इसमें, लेकिन कभी एकदम रॉन्गली ऐसा खुल गया ना तो मार पड़ सकता है। लेकिन ये लुंगी का बहुत फायदा है सर, देखिए आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारा फायदा है। अगर समझो कि कभी आपको प्लेन से कूदना पड़े, आप इसको एकदम पैराशूट जैसे यूज कर सकते।
बड़ा इज्जत का फालूदा हो जाएगा लेकिन जान बच जाएगी। ये लुंगी पहनने से आप योगा भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन शीर्षासन मत करना, सीआईडी का सारा सस्पेंस खुल जाएगा। क्या आप मोहन बाबू क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए हर चीज का प्रॉफिट होता है नुकसान होता है, लेकिन सोच समझ के यूज करना चाहिए। वैसे मेरे को थोड़ा यूज करने का टाइम हो गया, आप लुंगी